ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं नाथूसरी चौपटा के थाना में मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं कि एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सिरसा जिले के गांव रामपुरा ढीलों में बेटे ने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया है। इस वक्त की झकझोर कर रख देने वाली ये घटना है। किस प्रकार ये खूनी कत्ल को अंजाम दिया गया है, हमारे साथ नाथूसरी चौपटा के एसएचओ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। दादा, पुलिस को एक सूचना मिली थी तो 4:15 बजे करीब रामपुरा ढीलों में किसी औरत का मर्डर हो गया है। पुलिस मौके पहुंची और मैं भी मौके पर गया था। वहाँ गुड्डी और परमेश्वरी नाम की औरत थी, वाइफ ऑफ लेट श्री राम कुमार, उसी के बेटे रतन सिंह ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। कितने लोग वहाँ रहते थे? माँ बेटा रहते थे, लगभग 60-60 ईयर। पुलिस की कार्रवाई चल रही है, पर्चा दर्ज कर रहे हैं, तफ्तीश जारी है, पोस्टमार्टम करके बॉडी वार्षण के हवाले की जाएगी। ये करीब हुए जो गांव के ओर से चर्चा की 3:30-2:30 बजे के आसपास। गांव में तो थोड़ी बहुत ये चर्चा आई है, उसके चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के के बयान पर पर्चा दर्ज हुआ है, मरी है उसके जेठ के लड़के के ऊपर, और थोड़ी बहुत ये चर्चा है कि बेटा इसके चरित्र को लेकर शक करता। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नाथूसरी चौपटा के एसएचओ, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पुलिस को एक सूचना मिली थी जिसके मुताबिक वहां पर जाकर के पुलिस ने पड़ताल की, उसमें पाया कि बेटे ने जो परमेश्वरी देवी 60 वर्षीय उम्र जिनकी बताई जा रही है, उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। और आगामी कार्रवाई पुलिस की जाँच है वो चल रही है, पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। और इस प्रकार की घटना जब भी समाज में आती है तो कहीं ना कहीं समाज में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। धन्यवाद।